सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। यूपी में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए जोर जोर से लगी हुई हैं और इस उपचुनाव में रामपुर विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन तीनों जगहों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और सपा ने भी रामपुर सीट से आसिम रजा के नाम पर मुहर लगाई है। दरअसल रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। सपा नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट खाली हुई है। आसिम रजा ने जून 2022 में रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के घनश्याम लोधी से हार गए थे। अखिलेश यादव के विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। आसिम रजा को आजम खान का करीबी माना जाता है। तो वहीं लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भी सपा ने एक बार फिर आसिम रजा पर भरोसा जताया है। आसिम रजा समसी पंजाब बिरादरी से आते हैं और वे लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं और बताया जाता है कि इस बिरादरी में आसिम रजा की ठीक ठाक पैठ है। वहीं भाजपा ने रामपुर सीट से आकाश सक्सेना पर भरोसा जताया है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने आकाश को ही रामपुर सीट से प्रत्याशी बनाया था। खास बात यह है कि आजम खान और उनके परिवार पर साल 2019 से जितने भी मुकदमे हुए हैं उनमें से ज्यादातर आकाश सक्सेना ने ही कराए हैं और इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी आकाश भाजपा के प्रत्याशी थे, जबकि उनके मुकाबले में सपा नेता आजम खान प्रत्याशी थे। उन दिनों आजम सीतापुर की जेल में बंद थे, लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। तो वहीं आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को आजम खान को भड़काऊ भाषण के मामले में 3 साल की सजा हो गई और इसी के चलते उनकी विधायकी चली गई। रामपुर में 50% आबादी मुस्लिम बाहुल है, तो वहीं 45% आबादी हिंदू की है। पिछले कई सालों से रामपुर चुनाव में आजम खान का कब्जा रहा है। 2019 में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और धीरे धीरे रामपुर सीट से आजम खान का दबदबा कम होने लगा और इस बार के उपचुनाव में सपा और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर है। फिलहाल रामपुर उपचुनाव के जरिए सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा के साथ नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सियासी उठापटक के बीच ये देखना है कि उपचुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। रामपुर उपचुनाव के जरिए सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाती नजर आ रही हैं। पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सियासी उठापटक के बीच देखना यह है कि उपचुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।